शिव को गुरु बनाने की विधि क्रमबद्ध तरीके से जानिए। एक, आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। भगवान शिव से कहें, हे शिव, मैं आपको अपना गुरु बनने का आग्रह कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। दो, दोनों ऊपर हाथ उठाकर ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए तीन बार घोषणा करें और कहें कि अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मैं घोषणा करता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। तथास्तु, घोषणा दर्ज हो, हर हर महादेव। इससे भगवान शिव अपनी ही तय शास्त्रीय व्यवस्था के मुताबिक आग्रह करने वाले को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। तीन, शिव गुरु को साक्षी बनाकर शुरू किए कार्यों में रुकावटें नहीं आती, इसलिए जो भी काम करें उसके लिए भगवान शिव को पहले साक्षी बना लें और कहें कि हे शिव शंकर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपको साक्षी बनाकर ये कार्य करने जा रहा हूं, इसकी सफलता के लिए मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। चार, हर रोज अपने गुरु शिवजी से कम तीन बार कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। ऐसा तीन बार दोहराना है। पांच, हर रोज शिव गुरु को नमन करें। इसके लिए शांत मन से कुछ मिनटों तक नमः शिवाय गुरुवे का जाप करें। छह, भगवान शिव को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है, वे खुद भी सदैव इसका ध्यान करते रहते हैं, इसलिए उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी सबसे प्रिय चीज राम राम ही अर्पित करें। इसके लिए रोज नमन करने के बाद शिव गुरु से निवेदन करें, कहें कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम सुना रहा हूं, आप मेरे मन के मंदिर में आकर बैठ जाएं और राम राम सुने और स्वीकार करें, मुझे सदैव दैवीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें। ऐसी विधि द्वारा आप भगवान शिव को गुरु रूप में पा सकते हैं। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।